नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। यहाँ पे किस लिए आना हुआ है? आज पैगंबर साहब का जन्मदिन है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे डॉक्टर साहब एवं उनके सहयोगिता लोग जो लोग हैं, हम लोग कुष्ठपल्ली में, लच्छीपुर कुष्ठपल्ली, यहाँ कुछ गरीबों को मिठाई एवं कुछ पैसा देकर उपकार करने के लिए आए हैं। और ये हम आप लोग से, डॉक्टर साहब लोग से यही आवेदन करेंगे कि पैगंबर साहब हो चाहे और भी कोई माने बड़ा माने जो ऋषि महर्षि हो, लोग जो जन्मदिन इसी तरह का होने से हम लोग बहुत खुशी होंगे। जे गरीबों को कुछ मिठाई देकर माने उसको कुछ हेल्प करके यदि के लिए सहयोगिता करे तो अच्छा लगता है। ये सब ये आज ही आए कि हमें और भी कभी आते हैं? नहीं, डॉक्टर साहब एवं ये सहयोग जितना जो आदमी आए हुए हैं ये लोग बीच बात में आते रहते हैं। ठीक है, जब ये लोग मान कोई उत्सव का समय में ये लोग बराबर ये कुष्ठपल्ली में आके कुछ ना कुछ दान करते जाते हैं। और आपको कैसा लगा कि आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे ये लोग आए हैं इस मुस्लिम? आज तो मोहम्मद साहब का जन्मदिन जो ये लोग आए हैं ना, हम लोग खुद हिंदू होके भी बहुत खुशी है जो इस तरह का कोई नहीं करता है इलाका में। लेकिन ये लोग जो आया है हम लोग भी बहुत खुश है, हम भी उन लोगों के साथ में शामिल हुए हैं। पूरा बस्ती में लोग घूम घूम के पर घर घर में जाके खुद से के लिए मैंने कुछ पैसा और मिठाई बांट रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम बादल महतो। इससे आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरह का प्रोग्राम ये देख ले हो, जो आदमी अपना इच्छा से मन जागृत जो कर रहा है समाज में, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम लोग मिठाई कुछ पैसा दे रहे हैं, पैसे के मदद कर रहे हैं। आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। ये प्रोफेट मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर तो एक बार एसी किंतु यही उपलक्ष्य हमारा प्रथम बार एसी। खुशहाली हम लोग मना रहे हैं उसमें आपको भी शामिल किया है, उसमें मिठाई कुछ पैसा आपको दे रहे हैं। वो सबके लिए थे, सिर्फ मुसलमान के लिए देना है, वो सभा पूरे मानव जाति जो छे। लेडीज है जब पति नहीं है एवं कैंसर पेशेंट से क्लब मैंने ट्रीटमेंट भी सही मैंने सरकारी हॉस्पिटल में हो नहीं रहा, बांकुड़ा में ट्रीटमेंट करा रहा, लेकिन पैसा ना होने में खड़ा हो गया। जो हम लोग यही उम्मीद करेंगे यदि भगवान से या नबी साहब का दुआ इसको लगे जो इसका जो कैंसर है वो जैसे ठीक हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भी अपना जो भी मर्ज जिसमें गुल फरमाते बोला डॉक्टरों का डॉक्टर है, हकीमों का हकीम है मौला, अपनी रहमी करीमी के सबके में जो भी बीमारी है ये मर्ज को दूर फरमा दे। आज नबी साहब का जन्मदिन है, इनके सदके में मौला इनकी परेशानी को बीमारी को दूर कर दे और इनके हक को मौला कबूल आमीन। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जलतनी सहलन व अंत तुज़लुल हुज्न सहलन या शिक्का सहलन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अलैहि व सहाबी अहले बैत अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन आमीन। तमाम अल्लाह तआला की लरहम इनके वजह से इसी कारण ये लोग मिठाई का कुछ रकम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, हम आपको भी शामिल किए मिठाई दिए और कुछ मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर आपको मिठाई के लिए पैसा दिया है, इसलिए कि वो तमाम पूरी मानव जाति के लिए थे, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं थे, आपके लिए भी। आपका जन्मदिन है उसी अवसर में हम लोग मिठाई और कुछ आपको भी खुशी में आपको भी शामिल कर रहे हैं, वो सबके लिए आए थे। पैसा भी वो सबके लिए थे, है ना, इसीलिए आप तो पहचानते ही हैं। लेडी तो नहीं मिलेगा तुम्हें तो मालूम होगा अच्छे रे बाबा तुम शामिल करते हैं इनको दोस्त मेरा आपके लिए करता है। ठीक है,
से तो बहुत सारा करते थे ना, लेकिन अभी हम लोग ये देखा है कि गरीबों को भी भलाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप भी नबी साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे लिए नहीं आए, पूरा मानव जाति के लिए आए थे। तो ये खबर सब तक पहुँचना चाहिए, इससे आप लोगों का भी भला होना चाहिए और सबका भला होना चाहिए। सलम का जन्मदिन है, इस अवसर पर हम लोग इन लोगों को मिठाई और कुछ पैसा बांट रहे हैं, ताकि वो जो आए थे वो सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए नहीं थे, वो तमाम मानव जाति के लिए आए थे। सर, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे हर साल मतलब देखा जाता है कि आप लोग उनके याद में या उनके नाम पे जुलूस निकालते हैं, तो इस बार या इस साल नहीं देखा गया? इस साल क्या हुआ कि इस साल तो कोविड की वजह है, दूसरा है कि सरकार का निर्देश था कि भीड़ नहीं लगाना है, जुलूस नहीं निकलना है। तो आप लोग सरकार का निर्देश का पालन किए? पालन किया है और जुलूस नहीं निकला? जुलूस नहीं निकला। तो उसके बावजूद आप लोग ये कर रहे? हाँ, हैं हम लोग ये मोहल्ले में बच्चों लोगों को मिठाई बना करके खिलाया, बच्चे लोगों को लंगर खिलाया है और यहाँ इन लोगों को दे रहे हैं। मकसद है कि वो सबके लिए जो है रहमत थे, माने लाभदायक आदमी आए थे, तो जब सबके लिए वो लाभदायक थे तो हम लोग उनके रास्ते में जब चलेंगे तो जो काम वो करते थे वही काम हमको करना है। तो वो काम करने के लिए हम जितने भी गरीब भाई मेरे हैं उनको हम लोग मिठाई और पैसे बांट रहे हैं। मोहम्मद साहब के बारे और कुछ बताएं? वो पूरे मानव जाति के ये दूत थे, प्रोफेट माने पैगंबर कहा गया, माने ईश्वर का पैगाम लाने वाला। तो वो जो पैगाम ईश्वर की तरफ से आ रहा था वो हम लोग दुनिया वाले को पहुंचाए, और जिन्होंने उनकी बात को माना, सुना, अमल किया वो आज भी अच्छे हैं और कल भी अच्छे रहेंगे। जो माना है उसका भी भला, जो ना माना है उनको हम उसके भी दुआ करेंगे कि वो भी मानना शुरू करें, इसलिए कि वो सबके हैं। कुरान तो कहता है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल्लिल आलमीन, तो रहमतल्लिल आलमीन का मतलब ये हुआ कि वो पूरे मानव जाति के लिए हैं, तो किसी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग यह गलत समझ रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए हैं, वो तो पूरे मानव जाति के लिए हैं। तो मानव जाति में ये हमारे ये भी तो हमारे भाई हैं ना, जो कुष्ठपल्ली में हैं या हमारे जो लोग भी हैं या ये बादल हैं, ये सब हमारे भाई हैं। तो ये मेरा पैगाम है कि, और ये कुरान का ये पैगाम भी है कि पूरे मानव जाति के लिए है। और मोहम्मद साहब ने कहा था कि गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को, विधवाओं को, अनाथों को, सबके लिए तुम सहारा बनना, तुम सबके लिए सहारा बनना, बस हम लोग यही करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी। आपका नाम? मोहम्मद इस्लाम खान।